उजियारपुर लोकसभा, उजियारपुर गांव में हम हैं और यहां देखते हैं कि उजियारपुर के जो जनता है, जो मतदाता है, उनके बीच किस तरीके का एजेंडा है, वो क्या सोचते हैं अपने जनप्रतिनिधि के लिए, क्या मुद्दा रहा बाबा इस बार उजियारपुर के लिए। ये उजियारपुर गांव है। जी उजियारपुर गांव है, उजियारपुर गांव है, पंचायत है, प्रखंड है, लोकसभा, विधानसभा, सब उजियारपुर है। क्या मुद्दा, क्या यहाँ पे रहा है? उजियारपुर का तो एक ही मुद्दा है, हमारे उजियारपुर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा था, अब मेडिकल कॉलेज यहाँ से बंद कर दिया गया, नित्यानंद जी हटा के ले गए अलग, इसलिए यहाँ का लोग तो एकदम महागठबंधन जिंदाबाद कर रहा है। मतलब इस इलाके का विकास नहीं होना, इस इलाके का कोई विकास नहीं, दर्शन नहीं। आप किसी से बात कीजिएगा, नित्यानंद जी को 5 साल में किसी ने नहीं देखा आज तक, नित्यानंद जी का तो नाम नहीं लीजिए। हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग चाहिए जो लोग गरीब गुरबा का आंसू पोछे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से मनमोहन सिंह जाते जाते कांग्रेस वाले 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए चावल दिए, उसी पर उजियारपुर पल रहा है। 450 बीघा का ये उजियारपुर है, उजियारपुर को इतना ये कृपा है, उजिया ये भारत के मानचित्र पर है। और यहाँ का जो नेता है, वो नेता निश्चित रूप से जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति लोगों की भावना। उजियारपुर जी, क्या मुद्दा और क्या समस्या? उजियारपुर मुद्दा विकास का है, यहाँ कुछ भी विकास 5 साल में नहीं किया गया और यहाँ का जनता का क्षोभ इसलिए है कि यहाँ से मेडिकल कॉलेज को स्थानांतरित करके सैलेंजर ब्लॉक ले गया गया, जिसके प्रति नित्यानंद राय के प्रति यहाँ के जनता में काफ़ी आक्रोश और क्षोभ है। और मौर्या ट्रेन का स्टॉपेज की बात यहाँ की जनता ने उनसे की, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए, इसलिए जनता महागठबंधन के साथ है। मतलब लोग नाराज हैं भैया, क्या लगता है उजियारपुर 340 क्या लगता है? जो है तो ठीक है, मुद्दा क्या? मुद्दा तो विकास का मुद्दा है ना, जो विकास यहाँ पे हो नहीं रहा है। उजियारपुर में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है, विकास के नाम पे यहाँ के जनता को ठगा जा रहा है। कहा जाता है कुछ किया जाता है, कुछ बोला गया जो मेडिकल कॉलेज आपके उजियारपुर में रहेगा और उजियारपुर के जगह खींच के ले गए, कभी समस्तीपुर ले गए उधर के जो थे और उसके बाद फिर वहाँ से खींच के ले गए सारंजन में। 134 विधानसभा और बूथ संख्या 103 और यहाँ पे जो मतदाता हैं उनकी नाराजगी है और मुद्दे हैं और भी लोग बात करेंगे। क्या लगता है कि उजियारपुर किस चीज के लिए जाना जाता है और क्या लग रहा है कि आज उजियारपुर के लिए 2014 के अपेक्षा 2019 में मुद्दा क्या है? देखिए उजियारपुर आप जो सवाल किए किस चीज के लिए जाना जाता है, उजियारपुर तो लोकसभा विधानसभा दोनों क्षेत्र है, दिल्ली के मानचित्र पर उजियारपुर का नाम आ गया नहीं, एक भी अच्छा गाड़ी का ठहराव नहीं है। पहला नित्यानंद राय जी थे और उनसे लोग मैंने पहचानता तक नहीं है मेरे यहाँ, वो अगर चल आएंगे तो पहचानेगा भी नहीं। पहला नंबर दूसरा मुद्दा ये है जो यहाँ मेडिकल कॉलेज आके सारा चीज़ हो गया था, जमीन एक्वायर करके सारा चीज़ हो गया, ये लोग नेता सब मिल करके यहाँ से उसको हटवा दिए, तो जनता को तो काम चाहिए और उसके बाद मैंने आए ही नहीं तो काम क्या करेंगे। हम लोग के क्षेत्र में आए ही नहीं, बहुत सारे लोग उनको पहचानते नहीं, अगर अकेले चला में तो लोग नहीं पहचानेगा भी ये नित्यानंद मैंने हमारे सांसद भी है। तो क्या उजियारपुर में राष्ट्रहित देशभक्ति की बातें नहीं चल रही है? राष्ट्रीय देशभक्ति तो है, महागठबंधन देशभक्ति है, उजियारपुर में देशभक्ति की बातें नहीं चल रही। देशभक्ति के प्रति किसी की भावना ऐसी नहीं होगी, सबका देशभक्ति के प्रेम है। आज ये इतना 70 साल से इसका देशभक्ति का जो श्रद्धा था तब न देश बचा हुआ है। आज के तारीख में जो स्थिति है वो देश का सिर्फ जुमलेबाजी में फंसाया जा रहा है। हम लोग 15 लाख रुपया मांग रहे हैं अभी तक मोदी जी से, आज तक उन्होंने हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपया नहीं भेजा, सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसीलिए नफरत होता जा रहा है। अब देखिए नया समीकरण में, अब नया जो है सो पूरे देश नया प्रधानमंत्री बनेगा, उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करते हैं। उम्मीदें अभी भी हो सकती है, नए लोगों से भी, पुराने लोगों से उम्मीदें पूरी नहीं। उजियारपुर क्या सोचते हैं? उजियारपुर मोदी जी के साथ चलेगा, क्योंकि 60 साल तक जिस कांग्रेस ने सरकार राज किया है इस देश पर, उन्होंने आज लिखा है कि अब न्याय होगा, लेकिन इससे पहले आज तक इसे साबित होता है कि इससे पहले उन्होंने कभी न्याय नहीं किया है। इसलिए यहाँ हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा है और लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। राष्ट्रवाद भी है और विकास भी है। मुद्दा क्या है उजियारपुर? उजियारपुर का मुद्दा विकास का मुद्दा है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितना विकास किया 55 साल में,
दूसरी सरकारें जितना काम किया उससे सैकड़ों गुना 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने काम कर दिखाया है। हर दृष्टिकोण से हर साइड में हमारे गठबंधन की सरकार काम किया है और आगे भी विश्वास है कि नरेंद्र मोदी, विश्वास है, उम्मीद है। मैम, आपको क्या लगता है उजियारपुर में क्या मुद्दा है, क्या समस्या है जिसको आप फेस करती हैं, किस मुद्दे के साथ आप मतदान कर रही हैं? जो हम लोग चाहते हैं वो सही सलामत होना चाहिए, उसके बाद यहाँ का जो रुतबा है वो सही अभी नहीं लग रहा है, उस यहाँ का रुतबा सही होनी चाहिए और यहाँ का जो मोहल्ला है अभी तक हम लोग का शांति वातावरण कहीं का नहीं लग रहा है। शांति वातावरण हम लोग चाहते हैं, जैसे हम लोग शिक्षित हैं उसे शिक्षित के अनुसार हम लोग सब सुविधा चाहते हैं, जैसे हम लोग अभी के अनुसार ट्रेनिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसके अनुसार हम लोग का उपलब्ध होना चाहिए। बेरोजगारी भी समस्या है जी, अभी बेरोजगारी है लेकिन ट्रेनिंग हम लोग भी कर रहे हैं। तो समस्या कई है उजियारपुर में, दावे भी कई किए गए हैं, भरोसा भी कई दिलाया गया है, उम्मीदें कई है। इस बार भी 2014 के बाद अब 2019 में उम्मीदें की गई हैं, उम्मीदें लगाई गई हैं, उम्मीदें दिखाई गई हैं, लेकिन उजियारपुर की जनता अपने वोट की चोट से किसे संसद भेजती है यह तो 23 को पता चलेगा, लेकिन जो मतदाता हैं वो इस चिलचिलाती धूप में उजियारपुर में भी पूरे उत्साह के साथ हैं, लोग मतदान कर रहे हैं और लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसे अदा कर रहे हैं। सहयोगी मनीष के साथ गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, उजियारपुर।